Abizal! तो ये हम हैं और ये हमारे भाई लोग हैं और यहाँ पे जुताई हो रही है। ये जुताई वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अरे ट्रैक्टर आवाज खुदा तो आज खेत जोतना है तो पहले ट्रैक्टर की मरम्मत करा ले उसके बाद खेत जोतेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, इसका साइलेंसर का वेल्डिंग छूट गया है, नट बोल्ट वही लगवाने जा रहे हैं। और ये है कोचिमन भाई है, ये पहना है, हम लोग देखिए चल रहे हैं। साइलेंसर तो इसके ट्रैक्टर का सही है, बस इसमें एक बोल्ट लगवाना है। तो पहले इसको रिपेयर करा लेंगे फिर चलेंगे हम लोग खेत जोत रहे हैं। आज खेत जोताई होगी। साइलेंसर का बनाया जा रहा है, एक नट है इसमें लगा हुआ तो जाम है, तो इसको बला के निकालेंगे इसमें दोनों नट बोल्ट लगाएंगे फिर बन जाएगा, तो चलेंगे खेत जोतने। लड्डू खा रहा है। तो इससे ये साइलेंसर बना हुआ था, हम लोग देख सकते हैं कि ये बोल्ट है जो पहले से लगा हुआ इधर नहीं लगा था, इसलिए तार से जुगाड़ से बनाया गया था। अब इसको बनवाया जा रहा है, अब इसमें एक और इसको निकाल के इसमें बोल्ट लगेगा हो जाएगा। ये बोल्ट टूटा हुआ है इसी में। वो भी ट्रैक्टर का दो फर कम हो गया था, एक ये टाइट कर रहे हैं, नया लगा के टाइट करिए भाई, कुछ चेंज कर दिया है, एक वहाँ पे भी चेंज होना लगाना है। तो एक लगा दिया गया है, एक यहाँ पे दूसरा लग रहा है, एक यहाँ पे लगा दिए हैं, इसको टाइट करिए भाई। मुझके टाइट करा आ राजा जियो रे पालवा जियो सिर बस करा, वो हो गया टाइट हो गया, मिस हो जाएगा पूरा 15 ले लेना ले ना दे दिए। ये दूसरा वाला ये लगा रहे हैं, ये लगा के इसको काम करेंगे। ए ऊपर से सेंटर में करिए यार, ऊपर सेंटर में करिए। तो अभी ट्रैक्टर को फार लगा, ट्रैक्टर में फार लगाना था तो दोनों फार लग चुका है, एक अभी टाइट हो रहा है नट बोल्ट। तो टाइट करने के बाद हम लोग चलेंगे खेत जोतने। तो आज खेत की जुताई हो रही है, आज हम गांव में हैं तो लोग भाई सोचा गया कि खेत जोत लिया जाए। खेत की जुताई हो रही है, ये खेत के किनारे पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, पिताजी हैं और ट्रैक्टर चलाना खेत जोत रहे हैं। पापा खेत जोत रहे हैं, ये लोग प्रदर्शनी लगाए हैं, देख रहे हैं। चलो जी घास दिनो, तुम लोग घास दिनो बिनो। ए चिकुआ चल बीन। तो आप लोग देख रहे हैं कि खराई में खेत जुदा गया है, खड़े खड़े अब बेड़े बेड़े जोड़ देंगे, कटा हेंगी बैठे हैं हेंगी भाई गिर जाओ जी, हेंगी संकटा बैठ चुके हैं। तो जाओ हेंगी जाओ, अब खेत जुताई भी होगी हेंगाई भी होगी, आप लोग देख सकते हैं। आज गांव में है तो मस्ती बहुत है। हम लोग दिवाली की छुट्टी पे घर आए हुए हैं, तो अब यही है जो घर पे है, साग सब्जी बोना है, खेत क्यारी तो वही करेंगे। मैं तो डर गई। तू रुला।
तो आप लोग देख सकते हैं भाई खेतों में है, मजा ले रहे हैं गांव का, और जुताई चल रही है, फोकसिंग करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग इधर पहलवानी भी हो रही है, उधर खेत की जुताई भी हो रही है, हंगाई भी हो रही है, इधर पहलवानी भी हो रही है। तो गाइस देख, हेंगी का जो रस्सी बंधी हुई थी हेंगी से वो टूट गई है, तो अभी जुताई रुक गई है, हेंगाई भी रुक गई है, तो इसको भाई रिपेयर किया जाए, फटाफट रिपेयर किया जाए। ए जागिए फटाफट, इसको रिपेयर करिए, ताड़ दे, हो गया हो, अच्छा दूसरा वाला था तो तत्काल व्यवस्था हो गया है। चलिए चलिए चालू करिए, हेंगाइए फटाफट, जोतिए हेंगाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब भाई साहब ट्रैक्टर पे बैठ चुके हैं, अब ये खेत की जुताई करने जा रहे हैं, तो देखते हैं फिर कैसे जोत पा रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 स्टार्ट, ये निकल रहे हैं भाई, भाई साहब ट्रैक्टर लेके निकल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं जुताई बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये सर्वगुण संपन्न आदमी है, हर एक कामों में सर्वगुण संपन्न है। तो आप देख सकते हैं यो तो दोस्तों जो है कि जुताई हंगाई कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जोता गया है, और हमारे जो खेत है अपना वो उसके चारों तरफ पूरा सागवान का पेड़ लगा हुआ है, तो धूप भी नहीं रहती ज़्यादा, छांव भी रहता है। देखते हैं कि जो पूरा खेत है अच्छी तरह से जोत दिया गया है, और ये जो है इसको उधर जो बगीचा दिखाई दे रहा है वो हम ही लोगों का है, तो उसमें काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं, और इसमें सरसों भी कल की जो है कि छींट दी गई है तो बोने के लिए, तो बोआ गई है सरसों, और इधर हमारा जो है कि पूरा कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट वो कॉर्नर का बचा है जहाँ पे कि ट्रैक्टर का फर नहीं लग पाया था, उसको फिर से किया जा रहा है।